Assalamu alaikum students. Today our topic is dual nature of matter. In this topic we have to study de Broglie's hypothesis and matter waves. Before going to this topic we should discuss about the nature of light. As we have already studied, humne pehle padha hai ki nature of light kya hota hai. Nature of light. As we know, light has got dual nature. Light ka dual nature hota hai. That means light consists of both waves as well as material particles. ठीक है, कभी इसका नेचर होता है वेव नेचर और कभी ये दिखाता है मेटीरियल पार्टिकल नेचर. दैट मीन्स इट हैज गॉट बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. सो वी कैन से लाइट हैज गॉट ड्यूअल नेचर. दैट मीन्स और लाइट वी कैन ऑल्सो से एनी रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर. लाइट और एनी रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर. इन द सिमिलर वे इन 1924 देर वॉज अ साइंटिस्ट नेम्ड डी ब्रोगली. He proposed that, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करता है लाइक लाइट. ठीक है, लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करेगा एज अ मेटीरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव. ही सजेस्टेड दैट, ही प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ मेटीरियल like a material particle as well as wave. ठीक, so de Broglie ने बताया electron भी behave करता है as well light की तरह as a material particle as well as wave. that means इसका भी nature होता है material nature और wave nature भी होता है. so this proposal gave the theory known as wave mechanical theory of matter. इस proposal की वजह से हमें एक theory मिली जिसको हम कहते हैं जिसका नाम है वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इवन एटम्स व्हेन इन मोशन पोजेस वेव प्रॉपर्टीज. तो जब ये पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो इनके साथ वेव प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है. ठीक है, सो वी कैन से दैट मैटर हैज वेव्स एसोसिएटेड विथ इट. मैटर को वेव्स भी साथ होती है. जैसे हमने पढ़ा था रेडिएशन में, इससे पहले रेडिएशन का नेचर, रेडिएशन के साथ रेडिएशन का एक तो वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. वैसे ही मैटर जब मोशन में होता है, मैटर का भी एक वेव नेचर होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर. दैट मीन्स मैटर हैज ऑल्सो वेव्स एसोसिएटेड विथ इट एंड दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स. वी कैन राइट दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स. दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल थ्रो दिस पेन, अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा, इट विल अटेन सर्टन वेलोसिटी. देन व्हेन दिस पेन इज इन मोशन, जब ये मोशन में होगा, इसके साथ वेव्स भी एसोसिएट होगी. ठीक है, और वो वेव्स इस पेन को सराउंड करेगी. ठीक है, दैट मीन्स जब भी कोई मैटर मोशन में होता है, इसके साथ वेव एसोसिएट होती है जो इसको सराउंड करती है. उन वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं. और ये मैटर वेव्स जो होती है, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स. ये ना तो मैकेनिकल वेव्स होती है, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. वी कैन से दैट दीज आर थर्ड टाइप ऑफ वेव्स. दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ वेव. सो मैटर वेव्स आर नीदर मैकेनिकल वेव्स नॉर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ना तो ये वाइब्रेशन की वजह से होता है, ना तो ये किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है ये वेव. सो ये वेव सिंपली होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैटर. ठीक है, जब मैटर मोशन में होगा तो इसके साथ वेव एसोसिएट होगी, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं. जैसे कि यहां पे आई विल शो यू, सपोज कोई मैटर है, ये मैटर का पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी.
इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव। एंड वेव लेंथ ऑफ दिस मैटर वेव, इस मैटर वेव की वेव लेंथ जो होती है, ठीक है, द वेव लेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज नोन एज डी ब्रोगलीज वेव लेंथ, डी ब्रोगलीज वेव लेंथ, बिकॉज दिस मैटर वेव इज डिस्कवर्ड बाय डी ब्रोगली। नाउ वी विल सी द एक्सप्रेशन फॉर मैटर वेव दैट इज डी ब्रोगली वेव लेंथ फॉर द मैटर वेव दैट इज डी ब्रोगलीज वेव लेंथ ऑफ अ मैटर वेव एसोसिएटेड विथ अ मैटर, और वो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी डी ब्रोगली में, ठीक है। तो वी कैन से फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ अ वेलोसिटी वी, सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी, विथ अ वेलोसिटी वी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, सॉरी एच इंटू वी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा होता था फोटॉन के लिए, बिकॉज फोटॉन वॉज हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हियर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वेलोसिटी विल बी वी, सो इट्स एनर्जी विल बी इक्वल टू एच वी बाय लैम्डा। एंड अकॉर्डिंग टू एनस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, एनस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू एनस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एम एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू वी स्क्वायर। अगर हम फोटॉन के लिए यूज करते हैं, फोटॉन के लिए होता है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी एम इंटू वी स्क्वायर। वॉट इज वी? वी विल बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एम एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वी आर यूजिंग द रिलेशन ई इज इक्वल टू एच वी बाय लैम्डा, ठीक है। इफ वी विल यूज रिलेशन फॉर फोटॉन, तो फोटॉन के लिए क्या होगी रिलेशन? फोटॉन के लिए होगी एच सी बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड ई इज एनर्जी ऑफ फोटॉन। यहां पे आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो वेव एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, सॉरी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ दैट वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी। फ्रॉम दीज टू रिलेशंस वी कैन शो दैट एनर्जी दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये भी है, ये भी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच वी डिवाइडेड बाई लैमडा। एक वी कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे हमें मिलेगा एम वी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैमडा, ठीक है, ये एक रिलेशन। और वी कैन गेट लैमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, दिस इज अनदर रिलेशन वी हैव गॉट। और कभी कभी हम मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, सो वी विल यूज मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कैन यूज द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। व्हाट इज पी? पी इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिलेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रो वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द मैटर, और वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ होगी। सो दिस इज द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रोगलीज़
या जिसको इसको हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ भी कहते हैं. वी कैन राइट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. पहले डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ पे अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो हमें वेवलेंथ निकालनी है. क्या है फॉर्मूला हमारे पास, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई मोमेंटम, दैट इज एम इंटू वी. ओके, एच का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, 6.63 इंटू 10^-34 प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, -34 जूल सेकेंड. एंड मास, मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है ना, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10^-31 के जी. एंड वॉट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में यही से दे रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. तो आपको सभी वैल्यूज मालूम है, यू कैन कैलकुलेट वेवलेंथ. अब कभी कभी सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, 6.63 को आप 20/3 भी लिख सकते हो. फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन सिंपल, इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10^-31 इंटू ये कितना बनेगा, 3×10^7 मीटर पर सेकेंड, ठीक. अब ये कितना बनेगा, 7 जब ऊपर चढ़ेगा तो ये बनेगा 41, फिर जब ये 10^-31 ऊपर चढ़ेगा वो बनेगा 10^-10, वहां पे 10^-10 रहेगा, दैट इज 10^-10. और यहाँ पे रह गया 20 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, 9 × 3 = 27, 27 × 3 वो अप्रोक्सीमेटली 80 के बराबर आएगा. दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 80 वो आएगा बराबर 1/4, दैट इज 0.25. सो वी कैन राइट 2.5×10^-11 मीटर. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए कार ऑफ मास 2000 kg. मास कितना है कार का, 2000 kg, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 180 km/h. उसकी स्पीड है 180 km/h. सो वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ. वी विल यूज द फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. एच का वैल्यू आपको मालूम है, 6.63 × 10^-34 डिवाइडेड बाय मास कितना है कार का, 2000 kg, 2000 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 180, लेकिन 1 km/h में दिया हुआ है, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है, ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 सिंपली इंटू 5/18, ठीक. ये कितना बनेगा, this will be 10, 5 times of 50, 50 into 2000, that will be 10, 1 lakh, और 1 lakh को आप, that means 10^5, 10^5 जब ऊपर जाएगा, that will be 6.63 × 10^-28 meter. This is the wavelength associated with the car moving with velocity 180 km/h. अब हमने दो questions में देखा, दो cases में देखा. एक पहले पहले वाले केस में हम वेवलेंथ निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड इन सेकंड केस, इन सेकंड क्वेश्चन वी आर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ फॉर कार, ठीक है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब इसका मास बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है. एंड कार इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा पार्टिकल होता है मैक्रोस्कोपिक. दोनों में फर्क क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका मास बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी स्मॉल मास, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर ही होता है. और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, जो बड़ा होगा, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, वेरी लार्ज मास.
ठीक। अब पहले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की थी, डिब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट किया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, और हमें कितना वैल्यू मिला, 2.5 × 10⁻¹⁻ m। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हमने किया था एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, दैट मींस बड़े पार्टिकल के लिए जिसका मास ज्यादा था, तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ का वैल्यू कितना मिला, 6.63 × 10⁻²⁸ m। −10⁻²⁸ m, ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट है एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट। ठीक है, अब ज्यादा किसका वेवलेंथ निकला, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ही वेवलेंथ निकला। इसका मतलब है जो डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस है, दिस इज एप्लीकेबल, वी कैन राइट डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल निकला, वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटा है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हमें वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा निकला। ठीक है, सो वी कैन राइट इन नोट, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। सो टॉकिंग अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए इट विल बी हैविंग नो सेंस। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वी नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², सभी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा m से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैंने ke से रिप्रेजेंट किया, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। यहां से भी मैंने m से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 1/2 m² v² एंड इस 2 को यहां ले जाऊंगा तो ये बनेगा 2 m ke। ke इज व्हाट, इट इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर क्या रहेगा, m² v². अब दोनों से स्क्वायर निकालूंगा तो स्क्वायर को यहां ले जाऊंगा तो एम वी किसके बराबर बनेगा, एम वी विल बी इक्वल टू √2 m ke। व्हाट इज ke, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे हमें एम वी का वैल्यू निकला। ठीक है, बट वी नो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ किसके बराबर होती है ऑफ ए वेव, वो किसके बराबर होती है, h/mv। अब एम वी का वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पे इस वाले रिलेशन में, सो वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल h/√2 m ke। व्हाट इज ke, ke इज काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव गॉट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, रिलेशन फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या किसी भी मैटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम है, यू कैन ऑब्टेन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर दैट पार्टिकल। ठीक, आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस रिलेशन। कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5 × 10⁻¹⁹ j। अब काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की दी हुई है 5 × 10⁻¹⁹ j। वी हैव टू कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वी नो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। पढ़ा था हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये होता है हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस दैट इज एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो इसका एटॉमिक मास, मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 4 amu एंड 1 amu वी नो हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, 1 amu इज इक्वल टू 1/NA। 1 amu एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1/Avogadro's नंबर, NA इज Avogadro's नंबर। Avogadro's नंबर वी विल यूज फॉर सिंपल कैलकुलेशन, होता तो 6.023 × 10²³ है, लेकिन यहाँ पे हम 6 × 10²³ यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 amu। अगर 1 amu इतना है तो 4 amu कितना होगा, 4 × 6 × 4/6 × 10²³, दिस विल बी द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो वी विल यूज द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल एच बाई, वेवलेंथ हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 6.63 के बदले 20/3 लिख सकते हैं हम, × 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय √2 m। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाला था हमने 4 /
6 into 10 raised to power 23, this is mass, and kinetic energy वही से दिया हुआ है, 5 into 10 raised to power minus 8 joules, ठीक, तो इसको आप calculate करोगे, कैसे करेंगे calculate, 20 divided by 3 into 10 raised to power minus 34 divided by, हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 8 5 of 40, तो यहाँ पे 40 लिख सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय ये 6 लिखेंगे, अब क्या बचा है यहां पे, टेरेट पर 23 ऊपर जाएगा, ये बनेगा टेरेट पर माइनस 23 एंड टेरेट पर माइनस 8 वो बनेगा टेरेट पर माइनस 31। अगर मैं यहां से एक 40 से एक 10 निकालूंगा तो ये बनेगा, 40 से एक 10 निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 बाय 6 वो बनेगा 2 बाय 3, 2 बाय 3 ऊपर वाला पहले लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 10 रेट पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 और इसमें से 10 निकाला मैंने वो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 10 रेट पावर माइनस 30 लेकिन इसको रूट है ठीक है तो अंडर रूट ऑफ 10 रेट पावर माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 10 रेट पावर माइनस 30 ठीक है इनटू अब रूट सिर्फ इसी को रहा 2 बाय 3 और ऊपर क्या है 20 बाय 3 इनटू 10 रेट पावर माइनस 34 10 रेट पावर माइनस 34 10 रेट पावर और इसमें से जब मैंने रूट निकाला तो ये बनेगा 10 रेट पावर माइनस 15 10 रेट पावर माइनस 30 विल बी 10 रेट पावर माइनस 15 तो ये जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 10 रेट पावर माइनस 10 रेट पावर माइनस 19 इनटू 20 बाय 3 20 बाय 3 इनटू ये वाला जब ऊपर जाएगा ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3/2 ठीक जब मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा 8 इनटू 10 रेज्ड पावर माइनस 19 मीटर दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ wavelength of alpha particle to the wavelength of proton ठीक है if ratio of their kinetic energy is 1 into 4 what we have to calculate wavelength of alpha particle to the wavelength of proton ठीक alpha particle and proton formula क्या है formula है हमारे पास wavelength of alpha particle will be equal to हमें वहां से kinetic energies का ratio दिया हुआ है that means we have to take formula in terms of kinetic energy that is h divided by अंडर रूट ऑफ 2 m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना दिस इज रूट डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का ऐसे ही h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे रेशियो में है H और H कैंसल 2 एंड 2 दैट विल आल्सो कैंसल तो रेशियो हमें मिलेगा ये वाला ऊपर जाएगा ये वाला नीचे रहेगा ठीक है अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां तक ठीक है बट वी हैव गिवन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का रेशियो कितना दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो कितना दिया हुआ है रेशियो 1:4 तो अगर मैं प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का निकालूंगा वो कितना रहेगा वो रहेगा 4:1 सो वी कैन राइट 4 यहां पे इसके बदले 4 डिवाइडेड बाय 1 इनटू अब मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 एएमयू और अल्फा पार्टिकल का 4 तो इनका रेशियो क्या आएगा 1:4 ठीक तो 4 4 कैंसिल तो रेशियो कितना निकलेगा 1 के बराबर दिस विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन Now our next topic is de Broglie's wavelength in terms of potential. अगर हमें potential दिया हुआ
होगा। ठीक है, अभी हम काइनेटिक एनर्जी के लिए कर रहे थे, अब हम पोटेंशियल के लिए देखेंगे। इसके लिए हमें डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट देखना होगा। डेविसन एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मन? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब और इफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। एंड इफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल, से इफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा यहाँ पे, एंड इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट, यहाँ पे डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वी वोल्ट दिया जाएगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट विल गेन सम एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से गेन करेगा? इट विल गेन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द पोटेंशियल, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू, एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं मान लूंगा इसकी चार्ज क्यों है, या कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यों है, ठीक है, हम जनरल की बात करेंगे, तो एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, और अब जो ये एनर्जी गेन कर रहा है वही एनर्जी इसके पास होती है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। वी विल सिंपली यूज दिस रिलेशन इन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाली यूज की थी, एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू के काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बदले ये वाली रिलेशन यूज करेंगे क्यू इंटू वी, वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू, दैट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m, और काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या होगा, क्या आएगा, क्यू इंटू वी। सो दिस इज द रिलेशन वी हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज वी? वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड क्यू इज चार्ज, एंड एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। सो इफ विल, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा पोटेंशियल और चार्ज, तो उस वक्त हम ये वाली रिलेशन यूज करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हम दूसरी वाली रिलेशन ये यूज करेंगे, एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के ई, और अगर हमें सिंपली वेलोसिटी दी गई होगी देन वी विल यूज दिस टाइप ऑफ रिलेशन, एच बाय एम वी, वेलोसिटी या मोमेंटम, तो उस वक्त ये वाली रिलेशन यूज करेंगे। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, दिस इज डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला। We have a question, calculate ratio of de Broglie's wavelength of alpha particle to proton when accelerated through same potential difference from the rest. मतलब हमें ratio निकालना है किसका, wavelength of alpha particle to the wavelength of proton. ठीक, और question में बोल रहा है when accelerated through same potential, that means potential दोनों का same है। ठीक है, तो potential in terms of potential wavelength किसके बराबर होगा, h by under root of 2m, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 2m, और क्यू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल तो दोनों का सेम है तो v ही होगा दोनों का, इसका बनेगा h बाय अंडर रूट ऑफ 2mp मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू v। अब सेम क्या है, h यहाँ पे सेम है और पोटेंशियल सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज रेशियो, ये बराबर आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे रहेगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2b, कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन राइट सिंपली, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट कॉमन लेते हैं दोनों को, ठीक है, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या रेशियो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन
1 amu and mass of alpha particle 4 amu, that means ratio होगा 1:4 into, and charge of proton and charge of alpha particle में क्या ratio बनेगा, proton की charge 1 होती है और alpha particle की charge 2 होती है, that means उसमें 2 protons होते हैं, that means ratio बनेगा 1/2, so our ratio will be 1/√8. Now we will see de Broglie's wavelength of electron accelerated through potential V. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया through a potential V, उसकी de Broglie's wavelength कितनी होगी. ठीक है, इसके लिए हम निकाल के रखेंगे wavelength and we will use that wavelength in next questions, क्योंकि हमें JEE mains में और advanced में ज्यादातर हमें इसी इलेक्ट्रॉन पे 90% questions इलेक्ट्रॉन पे ही आते हैं, de Broglie's wavelength of electron. ठीक है, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना के रखेंगे. ठीक है, वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है e इनटू पोटेंशियल थ्रू विच दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अननोन है, दैट इज पोटेंशियल. बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच का वैल्यू होता है एच इज इक्वल 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10^-31 के जी, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम. ठीक है, बाय यूजिंग दिस वैल्यूज इन दिस रिलेशन वी विल गेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी, अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी एंगस्ट्रॉम, बट ये वेवलेंथ होगा एंगस्ट्रॉम्स में. ठीक है, this is the de Broglie's wavelength of an electron accelerated through a potential of v. so we will use, agar hame kahin pe bhi diya gaya hoga ek electron is potential se accelerate kiya gaya hai, theek hai, hame bar bar ye calculations use nahi karni hai, humne already ki hai electron ke liye, but this is only applicable for electron. proton ke liye aayega to aapko wahan pe ye formula dusra aayega kuch, aapko wahan pe ye wavelength कुछ डिफरेंट आएगा, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दीज आर डिफरेंट. ऐसे न्यूट्रॉन का आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये सभी डिफरेंट है. ठीक है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होगा. मैं इलेक्ट्रॉन का इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई मेन्स में भी और नीट एडवांस्ड में भी, एम्स में भी. ठीक है, तो आपको बार बार ये कैलकुलेशन यूज नहीं करनी पड़ेगी, यू हैव टू यूज सिंपली फॉर्मूला दैट इज de Broglie's wavelength for an electron. आपको सिर्फ पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे डालना है, you will get the de Broglie's wavelength of an electron. Suppose हमारे पास क्वेश्चन है, calculate de Broglie's wavelength of an electron which is accelerated from rest. अब यहाँ पे रेस्ट की बात कर रहा है, from rest through a potential difference of 1.5 volt. ठीक है, अब रेस्ट की बात कर रहा है, that means electron पहले रेस्ट पे था. ठीक है, अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को लिया वो पहले रेस्ट पे था, फिर जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब में तब भी वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा. ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ गई और हम पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं 1.5 वोल्ट. वो है सिंपली फॉर्मूला, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ, फॉर इलेक्ट्रॉन वी नो द फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी, वी का वैल्यू कितना है 1.5, तो ये आएगा 100 and 100 that will be equal to root of 100 that will be equal to 10 angstrom. ठीक है, this will be the wavelength of electron when accelerated through a potential of 1.5 volt. another question, so अब question हमें दे सकते हैं, question में हमें दे सकते हैं, अभी हमने इससे पहले question में जो देखा ये rest से start कर रहा था, ये accelerate कर रहा था rest से. अब कोई question हमें दे सकता है एग्जाम में कि पहले ही कुछ एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास. ठीक है, और कुछ पोटेंशियल के, पोटेंशियल से इसको और कुछ एनर्जी मिल रही है. सो हाउ कैन वी सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें देखना है पहले इसके पास कितनी एनर्जी है. सपोज हमारे पास क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद भी हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट. 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा.
what is formula for lambda? Lambda is under root of, for electron it is 150 by v. But we know the value of this v, ठीक है, हम इस potential का value जानते हैं, हम इस ये v हम नहीं जानते, ये potential हम नहीं जानते क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला potential मालूम है, ठीक है. So first what we should do, we have to calculate total amount of energy, इस electron के पास कितनी amount of energy होगी. Initial kinetic energy इसके पास कितनी है, kinetic energy initial, in that case we have to calculate first इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन या तो उस या तो रेस्ट से, रेस्ट के फॉर्म में भी पूछ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट, या तो पूछ सकता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पहले ही, इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी फिर हमने एक्सेलरेट किया था उसको, कुछ पोटेंशियल थे, ठीक है. तो हम दोनों केसेस कर रहे हैं यहाँ पे, पहला केस भी किया दूसरा केस भी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल, पोटेंशियल की वजह से, जो हमने पोटेंशियल दिया इसको, इसकी वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. देखो अगर पोटेंशियल हमें मालूम है, पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं. वी नो द एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल. वी नो द पोटेंशियल 4 और चार्ज कितनी होगी, ये इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो E होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4E, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट. सिंपली या तो पोटेंशियल को E से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एनर्जी, ठीक. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी, टोटल विल बी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल, दैट इज 6 + 4, that is 10 electron volt. This is the total kinetic energy of electron. And now we can obtain total potential of electron. अब हम निकाल सकते हैं potential of electron. मतलब कौन सा potential है जिससे अब electron accelerate हो रहा है, ठीक है. अब potential कितना होगा, अगर energy है 10 electron volt, simply remove E from, अगर हमें potential निकालना है तो formula से भी आप कर सकते हो, energy divided by V, ठीक है. Sorry, we have to calculate potential. तो potential किसके बराबर होगा, energy divided by charge, ठीक है. यहाँ पे charge कितनी है, charge of electron, that is energy कितनी है, 10 electron volt divided by charge of electron, that is E और E cancel हो जाएगा, तो potential कितना आएगा, so potential is 10 volt. अगर potential अब मालूम है हमें, so we can easily calculate डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज 150 बाय वी. वी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वी का वैल्यू है 10. सो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये 15 आएगा, अंडर रूट ऑफ 15, या तो हम लिख सकते हैं उसको, वो बराबर आएगा 3.87 एंगस्ट्रॉम. आ गया समझ. If we have to calculate for another particle, de Broglie's wavelength for another particle, then at that time we will use the formula under root of, उस वक्त formula कौन सा use करेंगे, under root of h divided by under root of 2mqv, ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो किसके बराबर आता है, 150 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आवर क्वेश्चन इज, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन विल बी इक्वल टू द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन. फर्स्ट वी शुड नो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. डी ब्रोगलीज वेवलेंथ किसके बराबर होता है, lambda is equal to h by mv. And we have studied velocity of electron in Bohr's orbit. Wo barabar hota hai 2.18 into 10 raised power 8 into z by n. So we can say that velocity varies directly with z by n. If velocity varies directly with z by n, here we can say relation between wavelength and velocity, that is inverse relation. अगर इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है तो वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड
जेड बाय एन में कौन सी रिलेशन होगी, वेवलेंथ विल बी डायरेक्टली वेरिंग विथ एन बाय जेड। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेमडा वेरीज इनवर्सली विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू जेड बाय एन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एन बाय जेड, ठीक। सो ये हमें रिलेशन मिल गई। ऑब्वियसली अब जिनका एन बाय जेड सेम होगा उन्हीं की वेवलेंथ भी सेम होगी। वी विल चेक एन बाय जेड फॉर लिथियम प्लस टू आयन। लिथियम प्लस टू आयन के लिए एन सेकेंड ऑर्बिट है, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू थ्री, ठीक। तो एन बाय जेड का वैल्यू क्या आएगा लिथियम के लिए, टू बाय थ्री। तो टू बाई थ्री इन ऑप्शन में जिनका होगा वही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे एन बाय जेड का वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑप्शन का दैट इज थ्री बाई वन, इस वाले का फोर बाय एन का वैल्यू, फोर जेड का वैल्यू सिक्स, दैट इज टू बाई थ्री। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।